सपोज आपको ये समझ में आ जाता है कि आप एक कैपेसिटर लेके आते हैं C1 जो कि चार्ज्ड है, एक और कैपेसिटर लेके आते हैं C2 जो चार्ज्ड है, और आप इन्हें कनेक्ट करते हैं वायर्स के साथ, तो इनका पोटेंशियल कॉमन आ जाता है, दे अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, ऐसा हो जाता है। तो आपको आपने सोचा चलो एक काम करते हैं, हम ना प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। आप मार्केट गए, आपने दो कैपेसिटर्स परचेज कर लिए, एक को बैटरी से चार्ज किया, दूसरे को भी अलग बैटरी से चार्ज किया, तो C1 V1 C2 V2 या C1 C2 V1 V2 पता लग गया आपको। अब आप एक्चुअल में प्रैक्टिकली दो वायर्स को कनेक्ट करने वाले हैं, प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ। अगर आपने देखा हो, स्पेशली जब गाड़ियाँ रुक जाती हैं, बैटरी डाउन हो जाती है, तो दूसरी तार लगा के ऑन करते हैं, सबसे पहली चीज़ तार लगाते ही क्या होती है, स्पार्किंग, स्पार्क होएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कैपेसिटर बड़े आराम से, अच्छा ठीक है आप ज्वाइन करो हम आराम से फ्लो करेंगे, ऐसा नहीं होता, पहले स्पार्किंग होएगी, चार्ज्ड बॉडीज को टच करती स्पार्किंग होती है। जैसी स्पार्किंग होगी आपकी कैपेसिटर की कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, उसे बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। तो जब भी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे कैपेसिटर में, लॉस ऑफ एनर्जी तो होगा ही होगा। तो अगला एक्सप्रेशन यही है, फाइंड लॉस ऑफ एनर्जी। तो टॉपिक का नाम क्या है, एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, या फिर व्हेन टू चार्ज कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट कैपेसिटी एंड डिफरेंट पोटेंशियल आर ज्वाइंट टुगेदर शो दैट देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी, ये होएगी होएगी। तो इसको करने के लिए जब मैंने दो कैपेसिटर्स को ज्वाइन नहीं किया था, तो एक कैपेसिटर C1 पे था, एक V1 पे था, तो उसकी इंडिविजुअल एनर्जी क्या थी, हाफ C1 V1 स्क्वायर, फिर दूसरे की भी क्या थी, हाफ C2 V2 स्क्वायर, मैंने ऐड कर लिया। ये जब मैंने इनको नहीं ज्वाइन किया वायर से, तो टोटल एनर्जी इनके पास इतनी थी। जब मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, तो दोनों कैपेसिटर ने क्या एक्वायर कर लिया, कॉमन पोटेंशियल, और दोनों कैपेसिटर किस में आ गए, ऑटोमेटिकली पैरेलल में। तो टोटल एनर्जी पूरे कॉम्बिनेशन की क्या होगी, ज्वाइन करने के बाद, हाफ CP V स्क्वायर, वेयर CP का मतलब क्या है, C1 प्लस C2 पैरेलल, और V का मतलब क्या है, कॉमन पोटेंशियल। अब V की जगह ये वैल्यू पुट कर लें, CP की जगह ये वैल्यू पुट कर लें, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। तो ये फाइनल एनर्जी आ गई सिस्टम की, इसके अंदर C1 प्लस C2 का स्क्वायर और C1 प्लस C2 कैंसिल, तो ये टर्म आएगी आपके पास, तो ये फाइनल एनर्जी आ गई। तो एक इनिशियल एनर्जी आ गई, एक फाइनल एनर्जी आ गई। लॉस निकालने के लिए इनिशियल में से फाइनल माइनस कर रहा हूं, आप फाइनल में से इनिशियल भी माइनस कर सकते हैं, आपका आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब लॉस है, पर मैंने ऑलरेडी लॉस लिख दिया, तो मैं इनिशियल में से फाइनल माइनस कर रहा हूं। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, एलसीएम आएगा 2C1 प्लस C2 का एलसीएम आएगा इसमें, तो यहां से एलसीएम ये आ गया, ये टर्म क्या बनेगी, C1 V1 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, ये टर्म क्या बनेगी, C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, और ये टर्म एज इट इज बनेगी, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक। इसे ओपन करें, इसको मल्टीप्लाई करें, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, और A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन करें, आगे साइन नेगेटिव है तो तीनों टर्म्स नेगेटिव, ओपन कर लें। ओपन करते ही चार टर्म्स देख रहे हैं कैंसिल हो रही है, जो चार टर्म बची हुई हैं, तीन टर्म, उसमें से C1 C2 कॉमन निकाल लें, ये टर्म आ गई, ये A माइनस B का होल स्क्वायर है, तो A माइनस B का होल स्क्वायर, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन एनर्जी। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली मार्क करने को आ सकता है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करें, एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन एनर्जी, फॉर्मूला एंटर करें। तो कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाएगा, न्यूमेरिकल में क्या देगा, C1 V1 C2 V2 और लॉस एनर्जी पूछेगा। अगर तो फॉर्मूला याद रह गया, वैल्यू पुट करो आंसर है, नहीं याद रहा कोई बात नहीं, वैसे मेरे को याद नहीं है,
तो मुझसे पूछो सर आपको याद, मेरे को याद नहीं है, पर तुमने याद करना है, मेरे से इंस्पायर नहीं होना, ठीक। मेरे से पूछोगे तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लूँगा अलग से, मैं फाइनल निकाल लूँगा अलग से, कॉमन पोटेंशियल निकाल, मैं दोनों को मैनेज कर दूंगा, बात खत्म। मेरे को फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं लॉस ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर बाई चांस ये फॉर्मूला ही मार्क करने को आ जाए तो देखो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका ठीक होगा, क्योंकि आप तो फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करेंगे और ये फॉर्मूला आया हुआ है, आपको हर जगह मिलेगा, टिक मार्क करने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मार्क कर लें, ठीक। समझ में आ रहा है यहाँ तक?